नमस्कार, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है फॉर ऑल द एग्जामिनेशन के आज के इस स्पॉटलाइट सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो 67 बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट हमारे साथ डिक्लेयर हुए थे अभी कुछ ही दिन पहले, और अब हमारे साथ यहाँ पर विकास कुमार जी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 201 हासिल की है और म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर ये चयनित हुए हैं। तो विकास, आपको इस सफलता के लिए हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप की पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो विकास जी, आज के सेशन में हमें थोड़ा बताइए अपने बारे में, अपने प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में, और सबसे पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, स्कूलिंग हुई, इसके बारे में थोड़ा। जी सर, मेरा जन्म सर पटना में हुआ, बिहार में, और प्रारंभिक शिक्षा भी सर पटना से ही हुई है। 10th मैंने वहीं पे बीडी पब्लिक स्कूल से किया और 12th डीएवी पब्लिक स्कूल से किया है। और हमारे जो फादर हैं वो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो PSNL में वो कार्यरत थे, वहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट हुआ उनका। और हमारी माता जी जो है वो हाउस वाइफ हैं। और ये हमारा सर फैमिली बैकग्राउंड हुआ। और जहाँ तक सर जर्नी की बात हुई सर, तो 12th करने के बाद, जैसा कि सर ज़्यादातर विद्यार्थी सर बिहार में इंजीनियरिंग के पीछे ही जाते हैं, तो मैं भी उनमें से था। मैंने भी ट्राई किया था सर ITJEE का, बट उस साल सर क्लियर नहीं हो पाया। और उसी दौरान सर मुझे सर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, जहाँ पे सर कोरियन की पढ़ाई कराई जा रही थी। उसमें सर जॉब प्रोस्पेक्ट बढ़िया था, स्कॉलरशिप्स थे, फॉरेन टूर का मौका मिल रहा था, तो ये चीज़ों ने सर फैसिनेट किया और JNU के पीछे मैं चल पड़ा। और सर उसके बाद से एक नई जर्नी सर वहां से सर शुरुआत हुई। ओके, तो आपने अपना ग्रेजुएशन जो है कोरियन जर्नी कोरियन लैंग्वेज में किया है, तो कोरियन भाषा का क्या महत्व आपको लगी बीपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, और इंटरव्यू में क्या कोई ऐसे सवाल आए थे बीपीएससी में कि कोरियन लैंग्वेज को लेकर के? सर इंटरव्यू में तो सर नहीं आया था, बट मेंस आंसर राइटिंग के दौरान, खास करके जब कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें कि आप उसका यूज कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस में, जैसे फ्लड मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं कोरिया में जो अच्छा प्रैक्टिसेस हो रहे थे। एक क्वेश्चन NEP के ऊपर आया था सर हमारे सोशियोलॉजी में, उसमें सर मैंने साउथ कोरिया के बारे में दिया था कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा था। तो एक तो सर यहाँ पे फायदा था, दूसरा सर चूंकि बाहर जाने का भी मौका मिला था कोरिया जाने का, तो वो एक्सपीरियंसेस सर इंटरव्यू में सर काम आ रहे थे। ओके, तो आप जैसे बाहर होकर के भी आए हैं, फॉरेन टूर भी करके आए हैं, तो उसके बाद ऐसा कैसे दिमाग में विचार आया है कि मुझे बिहार सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए और प्रशासनिक सेवा करनी मतलब आना चाहिए? जी सर, सर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जो वहाँ सर एक इन्वायरमेंट है सिविल सर्विसेज का, जब आप वहाँ लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ बैठ रहे होते हैं, आपके साथ जो लोग पढ़ रहे होते हैं वो रैंक दे रहे होते हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे BPSC हो, स्टेट सर्विसेज भी हो, तो उससे सर एक मोटिवेशन आता है। आपके जो सीनियर्स है वो आपको बताते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से तैयार करना है। दूसरा सर, अगर मेरी जर्नी में देखूँ तो 2020 तक तो मैं सर कोरियन में था, और उसके बाद जब कोविड आया, कोविड के दौरान मुझे सर मौका मिला यूनाइटेड नेशंस के साथ वॉलेंटियरिंग करने का। और उस समय सर मैंने देखा कि किस तरीके से सिविल सर्वेंट जो थे वो फोरफ्रंट पे थे, जब अपनी फैमिली भी लोगों का हेल्प नहीं कर रही थी, वैसे समय में सिविल सर्वेंट्स आगे आकर लोगों की सहायता कर रहे थे। तो ये भी एक चीज जो थी जिसने मुझे काफी मोटिवेट किया। जब मैं ब्यूरोक्रेट से मिला तो मुझे लगा कि दे हैव द पावर जो कि एक रियल इम्पैक्ट ला सकता है सर सोसाइटी के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा सर मोटिवेशन था। ओके, तो आपने बीपीएससी के एग्जाम में पहले भी अपियर हुए थे कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये मेरा तीसरा तीसरा अटेम्प्ट था सर। तीसरा अटेम्प्ट था। तो अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, प्रीलिम्स मेंस की तैयारी आपने कैसे करी, क्या क्या सोर्सेस फॉलो किए? जी सर, मैंने सर पहला अटेम्प्ट सर 2020 में लिया था सर, 65th BPSC जो था उसमें सर मेरा पहला अटेम्प्ट था, और फिर उसमें मेरा प्रीलिम्स सर नहीं हो पाया था। 66th में सर एक ऐसा था जहाँ पे मैंने बहुत मेहनत किया, मुझे उम्मीद थी कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, बट वहाँ पे भी मैं सर मिस हो गया एक मार्क्स से सर, तो वहाँ भी मुझे मेंस देने का मौका नहीं मिला। और ये 67th था जिसमें सर मुझे पहली बार प्री मेंस और इंटरव्यू और फिर फाइनली सर रिजल्ट तक मैं पहुँच पाया। जहाँ तक सर सोर्सेज की बात है, तो प्रीलिम्स के लिए सर अगर हम देखें तो हिस्ट्री के लिए एंशियंट और मिडेविल के लिए तो मैंने NCERT का ही यूज किया था, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने सर स्पेक्ट्रम का यूज किया था। और जी सर, और पॉलिटी में तो सर लक्ष्मीकांत सभी लोग वही करते हैं फॉलो, और NCERT मैं ये जरूर कहूंगा कि NCERT भी लोगों को पढ़ना चाहिए लक्ष्मीकांत पे आने से पहले। तो पॉलिटी के लिए सर लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे,
और एनसीईआरटी की किताबों का भी सर मदद लिया था। और बिहार के लिए सर एक क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है सर, तो उसका मैंने सर यूज किया था बिहार स्पेसिफिक के लिए। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट सर, मेरा मानना है कि ये जो है ये गेम चेंजर होते हैं। कई लोग सर इसे इग्नोर करते हैं, मैगजीन से पढ़ना पसंद करते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो रॉ जो बिल्कुल जो सरकार के द्वारा लाई जाती है, वहां से आप अपने नोट्स खुद बनाएं, और वहां से सबसे ज्यादा सर क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्रिलिम्स हो चाहे वो मेन्स हो। और साइंस एंड टेक के लिए भी सर मेरा मानना है एनसीईआरटी ही सबसे अच्छा सोर्स है सर, तो ये सर मैंने यूज किया था प्रिलिम्स ओके के okay. लिए। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने बजट और रेफरेंस बुक्स वगैरह को फॉलो किया था, तो करंट अफेयर्स एक इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है बीपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स स्टेज हो या हमारी मेंस की स्टेज हो. तो आपने बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया? सबसे पहले तो सर मेरा मानना है कि अगर आप किसी स्टेट पीसीएस के लिए कर रहे हैं, तो एक बेसिक है जो आपको न्यूज़पेपर तो वो पढ़ना ही चाहिए, जो उस स्टेट का न्यूज़पेपर हो, वो आपको टच में बनाकर रखता है चीजों से, जो कि एग्जाम में आपको ऑप्शन टिक करने में बहुत इंपॉर्टेंट मदद करता है। उसके अलावा सर जो मंथली मैगजीन्स आते हैं उनका भी मैंने सर सहारा लिया था। साथ ही सर मैंने यूट्यूब पे वीडियोज भी थे, जैसे खास करके सर बायजूस का भी करंट अफेयर पे वीडियोज आता था, तो मैंने उसे भी सर फॉलो किया था। द हिंदू के सर समरी आते हैं डेली बायजूस के, तो मैं वो भी सर देखा करता हूँ, और उसके पीडीएफ्स आते हैं, तो वो थोड़ा काम को आसान बना देता है। तो इन चीजों से मैंने सर करेंट अफेयर को सर कवर किया था। ओके okay. अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेंस में भी हमारा काफी ज्यादा चैलेंज रहता है स्टूडेंट्स के लिए आंसर राइटिंग को लेकर के. तो आपने अपनी मेंस की तैयारी कैसे करी, और खास तौर पे आंसर राइटिंग की अपनी प्रैक्टिस कैसे करी? जी सर, मैंने सर देखा है ज्यादातर बच्चों के अंदर हेजिटेंसी होती है आंसर राइटिंग को लेकर। उन्हें लगता है कि पहले उन्हें पूरा सिलेबस खत्म करना है और उसके बाद ही वो आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, मगर मेरा मानना है सर कि पहले आपको जितना भी आपका नॉलेज है, जिस भी बेस पे नॉलेज पे आप हैं, आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मेंस नॉलेज बेस तो है ही, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने अच्छे से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पाते हैं, क्लियरिटी ऑफ थॉट कितना अच्छा है आपका। तो ये चीजें सर आंसर राइटिंग से आती है। तो मैं भी सर जब मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा था, उस दौरान मैं कोशिश करता था कि डेली दो आंसर तो कम से कम लिखूं ही, और एग्जाम से एक महीना पहले मैं कोशिश करता था कि एक फुल लेंथ पेपर डेली लिखने का कोशिश करूं सर। ओके okay. अच्छा, एक चीज और बताइए, स्टूडेंट में काफी कंफ्यूजन होता है कि हम पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेंस की तैयारी करेंगे. तो आपने क्या दोनों की तैयारी अलग अलग करी थी कि एक साथ करी थी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से? सर मैंने सर एक ही साथ की थी सर, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ही करना सर सही होता है, क्योंकि अगर वैसे अगर आप करते हैं अलग अलग तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है सर ये एक साल का ही होता है। अगर आप इस साइकिल में फंस जाएंगे तो बार बार सेम लूप में आप आते रहेंगे, बार बार प्री का तैयारी करना पड़ेगा, फिर आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर आप साथ में करके चलते हैं तो एक तो टाइम बचाता है, और दूसरा सर ये आपके थॉट प्रोसेस को भी अलाइन करता है। तो मेरा मानना है सर कॉम्प्रिहेंसिव ही ज्यादा सही तरीका है सर प्रिपरेशन का। ओके okay. अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो ये पूरी प्रिपरेशन जर्नी है, इसमें मीडियम का भी काफी महत्व रहता है. खास तौर पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है काफी ज्यादा कंटेंट को लेकर के. तो आपकी भाषा कौन सी थी, आपने किस मीडियम से इस एग्जाम को दिया था? सर मेंस की तो मेरी सर इंग्लिश में मैंने मेंस लिखा था, और इंटरव्यू सर मैंने हिंदी में दिया था सर। स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट रहता है कि हम इंग्लिश के साथ क्या हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं. तो आपको इसमें कुछ डिस्कम्फर्ट या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई थी? जी नहीं सर, मेरा मानना है सर कि खास करके इंटरव्यू क्लियरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है, और बिहार जैसे राज्य में सर कई बार बच्चों के अंदर सर इंग्लिश को लेकर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो वैसे में मैं उन बच्चों से खास करके कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपने जो पढ़ा है आपका जो नॉलेज है वो ज्यादा मायने रखता है रेदर देन की लैंग्वेज। तो अगर आप हिंदी में सहज हैं तो आप अपना आंसर हिंदी में लिख सकते हैं, आप अपना इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं। ओके okay. अच्छा, इसके अलावा एक स्टूडेंट्स के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है नोट्स को लेकर के, कि बुक से पढ़ें या नोट्स से पढ़ें. तो आपने अपने प्रिपरेशन में कैसे करा था, बुक से ही पढ़ते थे कि अलग से टॉपिक वाइज नोट्स या सब्जेक्ट के नोट्स बनाते थे आप? सर जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे होते हैं तो उस समय तो मेरा मानना है कि नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, मगर जब आप सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं, थर्ड रीडिंग कर रहे हैं, तो उस समय अगर आप नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम से एक महीना पहले आप उसे रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आखिर में सर एग्जाम से पहले प्रीलिम्स के, खास करके प्रीलिम्स के पहले बच्चे पैनिक में चले जाते हैं, क्योंकि उनके सामने लक्ष्मीकांत का पूरा बुक पड़ा होता है और उनके पास समय होती नहीं है। तो अगर आप कीवर्ड्स का एक नोट्स बना सकते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। तो मैंने भी सर नोट्स बनाया था, और उससे सर बहुत फायदा होता है रिवीजन प्रोसेस में।
ओके तो आप अपने नोट्स कैसे बनाते थे, मतलब कॉपी बुक के फॉर्म में नोट्स कॉपी के फॉर्म में बनाते थे, या फिर आप स्मार्ट नोट्स के लिए या फिर टैबलेट या कंप्यूटर का यूज करते थे, टेक्नोलॉजी का जो बेसिकली अगर मैं दे दूँ तो? जी सर, जो न्यूज़पेपर मैं पढ़ता था उसके नोट्स को सर मैं ऑनलाइन बनाता था सर, अपने लैपटॉप पे ही बनाता था। और जो सर किताबों के नोट्स होते थे जैसे एनसीईआरटी वगैरह, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, उसे सर मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता था उस, ताकि उसमें सर आसानी से मैं उसे रिवाइज कर सकूँ। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, इस पूरे प्रिपरेशन में हमारा काफी लॉन्ग ड्यूरेशन है, मतलब आप प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को देखो तो साल भर से अधिक का समय लगभग लग जाता है। तो इस पूरी जर्नी के दौरान कई बार ऐसे मौके भी आते हैं और कई बार ऐसा समय भी आता है कि आप अपने लो पर होते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा था कि कई बार डिमोटिवेशन या लो फील होता हो इस जर्नी में कि नहीं हो सकता, या अपने पे ही प्रश्न चिन्ह होता हो कि नहीं टफ है मेरे लिए, नहीं हो सकता? जी सर, सर ऐसे में मेरा मानना है कि फैमिली सपोर्ट, आपके पास दोस्त कैसे हैं, ये सर बहुत मायने रखता है। आजकल सर ऐसा लोग बनाकर चलते हैं कि 14 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है। मेरा मानना है सर, अगर आप 6 7 घंटे भी अगर आप डेली कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, आपके पास अच्छे मित्र हैं, आप थोड़ा समय अपने फिजिकल में भी दे रहे हैं, आप ग्राउंड जा रहे हैं, थोड़ा दौड़ रहे हैं, थोड़ा घूम रहे हैं, ये चीजें सर आपको बहुत हेल्प करती है, खास करके उस समय में जब आपने लो पे होते हैं। सर मेरा मानना है आप आराम से आप इसका तैयारी कर सकते हैं इन सब चीजों को करते हुए। ये एक मिथ बनाया हुआ है कि आप प्रिपरेशन के दौरान सोशल लाइफ को बिल्कुल बंद कर दे, सर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि चीजों को आप लेकर आसानी से कर सकते हैं एक कंसिस्टेंसी के साथ। अच्छा, काफी स्टूडेंट हमारे सोशल मीडिया को लेकर के भी काफी ज्यादा चिंतित होते हैं कि सोशल मीडिया फॉलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, तो जी कैसे सर, मैनेज जैसे करते थे सोशल मीडिया को? सर जैसे कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता हूँ, मगर आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, आप अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आप अगर खोलते भी हैं सोशल मीडिया तो वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ही ले रहे होते हैं। अगर आप ट्विटर पे हैं, वहां भी अगर आप अच्छे न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन ही मिलती है। कई क्वेश्चन सर ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एक क्वेश्चन आया था अभी 69th BPSC में, सर मूवी आई थी अभी ओपेनहाइमर, वहां से वो क्वेश्चन था। उसके लिए सर आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने अगर वो मूवी देखा होगा तो आपको आंसर पता होगा। अभी यूपीएससी के अंदर भी सर एक ऐसे उसी के ऊपर आया था कि मैथ्स इज अ म्यूजिक, वो भी सर वहीं से कोट उठाया गया था। तो ये चीजें सर हैं कि अगर आप सही तरीके से उसका यूज करते हैं तो वो सर हेल्प ही करती है। मतलब कि आपको, मतलब एक प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको होना चाहिए कि समाज में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, उसको आपको भली भांति जानना चाहिए। जी सर, ओके okay. अच्छा, अब मैं अगली बात करूं तो ये हमारे इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी अपनी? सर इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले आप अपने डैफ को अच्छे से प्रिपेयर करें, सेगमेंट्स में आपको बांटना चाहिए। जैसे मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने 10 सेगमेंट्स में बांटा था, अपने एजुकेशन को अलग रखा था, बैकग्राउंड को अलग रखा, ग्रेजुएशन और ऑप्शनल, इस तरीके से 10 सेगमेंट्स मैंने बनाए। और सारे सेगमेंट्स के ऊपर पहले आपको खुद से प्रिपेरेशन करना चाहिए, आप गूगल कर सकते हैं चीजों को और बनाना चाहिए। उसके बाद सर मुझे लगता है मॉक, मॉक एक बहुत बड़ा इसमें सर है, एक यूनिक एंगल है, और मॉक सबसे ज्यादा यूजफुल सर इंटरव्यू में ही है, जहाँ की सर आप कई बच्चों को हेजिटेशन होता है फेस करने में लोगों को, तो वैसे में ज्यादा से ज्यादा आप मॉक दें, 5 6 अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जरूर कोशिश करें मॉक देने का, जिससे एक हेजिटेशन जाता है, एक प्रेजेंटेशन का स्किल आता है सर। तो इंटरव्यू का तैयारी तो सर मैंने न्यूज़पेपर्स भी पढ़ा था, मंथली मैगजीन्स भी देखा था, यूट्यूब वीडियोज और टॉपर्स के टॉक सर वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से भी कई चीजें सर हमें सीखने को मिलती है। ओके तो आपने मॉक वगैरह दिया था तो उससे आपको बेसिकली इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें। जी सर, ओके अब जैसा अगर हम बात करें तो 78 BPSC अराउंड द कॉर्नर है, उसका मेंस एग्जाम, तो आप ऐसे, सॉरी, 69 BPSC का मेंस हमारा आने वाला है और 78 BPSC का प्रीलिम्स आने वाला है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो पहला प्रयास अपना प्रीलिम्स में देने जा रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मैं उनसे कहूंगा कि सबसे पहले जो आपके जो सिलेबस है उसको आप अच्छी तरह से जानें कि आपके सिलेबस में क्या चीजें हैं। उसके बाद आप अपने PYQ को उठाएं, पिछले 2 4 सालों के जो भी पेपर्स आए हैं उनको देखें, और उसके अकॉर्डिंगली ही अपने पढ़ाई को स्ट्रेटाइजाइज करें। ज्यादा से ज्यादा फोकस सर किताबों को देना चाहिए, अपने एनसीईआरटी की किताबों को आप दीजिए, अपने बेसिक बुक्स को दीजिए, अपने रिसोर्स को कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए सर, जिससे कि सर हमें मदद मिलती है चीजों को एक जगह रखने में। इसके अलावा सर अगर हम मेंस की बात करें सर, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सर कोशिश करनी चाहिए आंसर राइटिंग के ऊपर, अभी से ही सर वो आंसर राइटिंग उनको शुरू कर देनी चाहिए,
जिससे कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल आएगा और एक अच्छा मार्क्स सर उन्हें मिल पाएगा। और प्रिसाइज राइटिंग करनी चाहिए सर। कई बार मैंने कई बच्चों को देखा है कि उन्हें कंटेंट आता है एक क्वेश्चन का और वो उसे लिख कर आ जाते हैं। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है मगर उन्हें वही कंटेंट आ रहा होता है, तो वो कंटेंट लिख कर आ जाते हैं। मेरा मानना है टू द पॉइंट मेंस में आजकल लिखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आप पेज भर कर आए। तो इन चीजों पे सर काम करना चाहिए बच्चों को। मतलब कंटेंट की क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। जी सर, आप कितने पेजेस लिख रहे हैं ये मैटर नहीं करता। आप अगर दो तीन पेज भी लिख कर आ रहे हैं एग्जाम में, मैंने भी सर ऐसे ही किया। समय का कॉन्स्टेंट रहता है, वैसे में अगर आप क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन सर क्वांटिटी से। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने करंट अफेयर्स और बाकी सामाजिक मुद्दों को आप पढ़ रहे होंगे, तो कई बार ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं जो हमारे सामने आते हैं जिसको देख करके या जिसके बारे में हम सोचते हैं तो हमें बहुत खराब लगता है कि अभी मैं एक एस्पिरेंट हूँ, अगर मैं सिविल सेवा में होता या समाज में अगर मेरे पास भी शक्तियां होती कि मैं कुछ बदलाव कर सकूं, तो ऐसे कोई मुद्दे रहे हो समाज के या कोई ऐसी घटनाएं रही हो जिसको आपको लगता है कि अगर मैं होता या मैं जब सिविल सेवा में जाऊंगा तो मैं इस चीज पे परिवर्तन लाना चाहूंगा? जी सर, सर एक मेरा मानना है कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद जब हम ब्यूरोक्रेट बनकर जाते हैं तो लोगों के बीच में और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में सर एक अभी भी सर एक लाइन है, एक बड़ा सा लाइन है। मुझे लगता है कि उसे कम करने की जरूरत है। आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में ही काम कर रहे हैं, तो लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके लिए ही काम करना चाहिए। तो ये तो एक चीज हो गई सर। और दूसरा मुझे लगता है कि सर आजकल टेक्नोलॉजी इतना अच्छा आ गया है तो उसका यूज करके सर हम बहुत अच्छे से इफिशियंटली लोगों तक पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छे से काम को कर सकते हैं सर। तो ये दो चीजें सर मैं करना चाहूंगा। ओके अच्छा, इसके अलावा बस लास्ट में मैं यही आपसे आपको शुभकामनाएं दूंगा कि जिस तरह से आपने इस एग्जाम में हार्डवर्क करके अपने आप को सफल बनाया, आगे चल करके भी आप बिहार में प्रशासनिक सेवा में इस प्रकार अपना नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, यही आशा हमारी पूरी बायजूस एग्जाम प्रेप की टीम की तरफ से है आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। वेलकम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।